हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज विकास। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से ये रियलिस्टिक हेयर्स को ड्रा कर सकते हो। एंड रेफरेंस फोटोग्राफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आपको ड्रा करना है तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सो इन हेयर्स को ड्रा करने में मैंने कम्प्लीट ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ किया है। सो वीडियो को एंड तक देखना और स्टेप बाय स्टेप देखना कि मैं किस तरह से ड्रा करूँगा। सो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ये है वो रेफरेंस फोटोग्राफ जिसके अकॉर्डिंग मैं हेयर्स को ड्रा करूँगा। सो आउटलाइंस को मैंने हल्का सा ड्रा कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज़ कर रहा हूँ 5B पेंसिल का हेयर्स को लाइटली ड्रॉ करने के लिए। सो फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग मैं अच्छे से ऑब्जर्व करके मैं हेयर की डायरेक्शन में मैं स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। आपको भी इस तरह से फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करना है और हेयर की डायरेक्शन में पहले स्ट्रोक्स लगाने हैं। सो वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। आपको इसी तरह से फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करके हेयर की डायरेक्शन में आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं। तो 5B पेंसिल से अच्छे से शेड करने के बाद अब मैं यूज कर रहा हूँ 8B पेंसिल का हेयर्स को डार्क करने के लिए। ब्लेंडिंग में अभी नहीं कर रहा हूँ, ब्लेंडिंग में बाद में करूंगा। अभी मैं हेयर्स को डार्क कर रहा हूँ 8B पेंसिल का यूज करके। पेंसिल से हेयर्स को डार्क कर लेने के बाद अब मैं ब्लेंड कर रहा हूँ ब्रश का यूज करके। सो आपको मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप जब भी हेयर्स को ब्लेंड करो तो आप ब्रश का ही यूज करो, बिकॉज ब्रश जो है वो बिल्कुल बेसिक टूल है हेयर्स को ब्लेंड करने के लिए। इससे हम अच्छे से ब्लेंड कर पाते हैं हेयर्स में। हेयर्स को ब्लेंड कर लेने के बाद अब मैं यूज कर रहा हूँ 10B पेंसिल का हेयर्स को फर्दर डार्क करने के लिए। फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग मैं हेयर्स को डार्क कर रहा हूँ, बिकॉज जो हेयर्स हैं फोटोग्राफ में वो काफी डार्क हैं। सो इसलिए मैं 10B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। आपको भी अपनी फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग अच्छे से ऑब्जर्व करना। सो अब फिर से ब्लेंड कर रहा हूँ ब्रश का यूज करके। ब्लेंड कर लेने के बाद अब मैं यूज कर रहा हूँ टोम्बो मोने इरेजर का, जो हेयर्स में हाइलाइट्स है उनको ड्रॉ करने के लिए। मैं फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग मैं ड्रॉ कर रहा हूँ हाइलाइट्स को और अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि किस डायरेक्शन में हाइलाइट्स हैं। सो उसी डायरेक्शन में मैं हाइलाइट्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। और हाइलाइट्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेयर्स में। अगर आप हाइलाइट्स को ड्रॉ नहीं करोगे तो जो आपके हेयर्स हैं जो आपने ड्रॉ किए हैं वो बिल्कुल फ्लैट से दिखाई देंगे और बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं दिखाई देंगे। सो इसलिए हाइलाइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेयर्स में जो हाइलाइट्स हैं उनको ड्रॉ करने के साथ साथ अब मैं 10B पेंसिल का भी यूज़ कर रहा हूँ, जो हाइलाइट्स हैं उनके बीच में जो डार्क एरियाज हैं उनको आउट करने के लिए। सो हेयर्स तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। सो अब जो बाकी के एरियाज हैं उनको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो गाइस, ड्रॉ कर लेने के बाद कुछ इस तरह का रिजल्ट आया, कुछ इस तरह के हेयर्स दिखाई दे रहे हैं। रेफरेंस फोटोग्राफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया और ट्राई करना इस तरह के हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।